अंधेरी पूर्व में वार्ड क्रमांक 73 की नगर सेविका केसरबेन मुरजी पटेल ने जीवन ज्योति प्रतिष्ठान की मदद से क्षेत्र के 200 से अधिक छोटे बड़े रास्तों पर बढ़ते हुए अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 160 सीसीटीवी कैमरा लगाया है। इन कैमरों के कारण अपराधों में 50% कमी आएगी, ऐसा पुलिस का मानना है। साथ ही अपने वार्ड में फ्री वाईफाई सुविधा भी मुहैया कराई है, जिसका लाभ वहां के लोगों को मिलेगा। बता दें कि अंधेरी पूर्व इलाके में 200 से अधिक छोटे बड़े इलाके हैं, जिन पर वाहनों के अलावा आम नागरिकों का भी आना जाना बहुत कम रहता है। इसी का फायदा उठाते हुए चोर, चैन स्नैचर महिलाओं को अथवा वृद्ध लोगों को अपना निशाना बनाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के लिए नगर सेविका केसरबेन मुरजी पटेल ने जीवन ज्योति प्रतिष्ठान के सहायता से 160 सीसीटीवी कैमरे का जाल बिछाया है। इसके अलावा 144 और कैमरे लगाने की योजना केसरबेन ने बनाई है। इन सभी कैमरों का नियंत्रण कक्ष स्थानीय पुलिस स्टेशन में बनाया गया है, वहीं से इस पर निगरानी की जाएगी। मुंबई को स्मार्ट मुंबई बनाने के लिए वो सुरक्षित भी होना जरूरी है और सुरक्षित के साथ साथ दुनिया से कनेक्ट होना भी जरूरी है। माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने स्मार्ट मुंबई की घोषणा करने के बाद ये वाईफाई पूरे 500 हॉटस्पॉट में मई तक लगाने की घोषणा की। आज वार्ड 73 में ये पूरा वार्ड वाईफाई के कनेक्ट करने का काम केसरबेन पटेल, मुरजी पटेल और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। और सिक्योर्ड मुंबई के लिए पहले ही सीसीटीवी का नेटवर्क पूरे मुंबई में काम शुरू हो चुका है और 2-3 महीने में वो पूरा भी हो जाएगा। यह सीसीटीवी कैमरे अत्याधुनिक है, जो रात्रि के समय भी वीडियो और आवाज बकायदा रिकॉर्ड करेंगे। इन कैमरे की नजर 24 घंटे मंदिर, स्कूल, आर्ट कॉलेज, हॉल, 2 बड़े मार्केट, 2 जिमखाना, मस्जिद, चर्च, बैंक, एटीएम सेंटर, 5 बड़े सिग्नलों पर होगी। वर्तमान समय में कैमरा लगाने का काम अंतिम चरण में है, ऐसी जानकारी जीवन ज्योति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष मुरजी पटेल ने दी है। कल मुख्यमंत्री ने घोषणा की और 24 घंटे में हमारे पास सब यंत्रणा पहले से तैयार थी। 24 घंटों में हम पूरा वाईफाई पूरे वार्ड में लगवा के अभी आपके सामने आशीष जी शेलार के हाथ से उद्घाटन करवाया। वाईफाई यंग बच्चे हैं जो उनको शिक्षा में लिए मदद होना चाहिए, किसी को बिजनेस के लिए मदद होना चाहिए, ये दृष्टिकोण हमने ये वाईफाई फ्री का एक प्रोग्राम आज लिया। सर, सुंदर नगर ये क्षेत्र में काम पूरा हो चुका है, लगभग 70% मेरे वार्ड में काम पूरा हो चुका है, 30% सीसीटीवी लगाने का काम चालू है, आने वाले 2-3 दिन में सब पूरा हो जाएगा। सीसीटीवी लगाने का कारण ये था सर कि मेरी माता बहनें रात को 1 बजे 2 बजे घर से निकले तो उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए, उसमें पुलिस स्टेशन में हमको सहयोग किया, हम और पुलिस दोनों मिलकर सीसीटीवी कैमरा लगा। ओके, थैंक यू।